नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 यानी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म से क्या क्या चीज़ें हुई। पहला तो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन टू प्रेसिडेंसी, जो रियासतें थी, इंडियन रियासतें थी, उनको सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया कॉरपोरेशन के मामले में। इसके साथ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ और ज़मींदार्स को भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया। इसके साथ ही जो प्रोविंसेस में अलाउ किया गया नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, जो ऑफिसर्स के अलावा लोग थे, मेंबर्स थे, उनकी मेजोरिटी पहली बार 1909 में प्रोविंसेस में की गई, पर सेंटर में ऑफिशियल मेजोरिटी ही रही। ऑफिसर्स वहाँ मेजोरिटी में रहे और जो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी थी वो प्रोविंसेस में लागू की गई, या फिर कह लो कि अलाउ की गई। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन जो प्लान था उसका क्या मोटिव था, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला कि वो प्रपोज़ किया उसने कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेटअप की जाए, और वो भी इंडियन जो मेन पार्टी से उनके सपोर्ट से, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इस्टेब्लिश की जाए जिससे कि पावर ट्रांसफ़र कर सके वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को। ये मेन ऑब्जेक्टिव्स थे कैबिनेट मिशन प्लान के। नेक्स्ट है वेवल प्लान। इसको मैंने इससे पहले भी वीडियो में अच्छे समझा दिया था, ये ब्रेकडाउन प्लान भी था एक तरीके से, जो कि कैबिनेट मिशन को प्रपोज़ किया गया था। इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेंटर में बनाने की, फॉर्म करने की बात की गई थी, जिसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ थे वो इंडियन नहीं होंगे, और वीटो पावर गवर्नर जनरल को होगी। इस तरह ये मतलब प्लान इस वेवल प्लान में था। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये टेस्ट सीरीज़ में इंक्लूड था इसलिए मैं दोबारा कवर कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट मुस्लिम लीग ने क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज किया था, हिंदू महासभा ने बॉयकॉट कर दिया था। नेक्स्ट है इंडिविजुअल सत्याग्रह के सत्याग्रही कौन थे। पहले थे विनोबा भावे, फिर नेहरू, और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। ये किस लिए शुरू किया गया था इंडिविजुअल सत्याग्रह? अगस्त ऑफर के विरोध में शुरू किया गया था और ये वर्धा से शुरू हुआ था। अगस्त ऑफर 1940 में आया था और ये इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। नेक्स्ट है कम्युनल अवार्ड्स 1932 के। ये फॉरवर्ड कास्ट को भी प्रोवाइड किए गए थे, बैकवर्ड के साथ में ये फॉरवर्ड क्लास को भी प्रोवाइड किए गए थे। नेक्स्ट है आपका साइमन कमीशन। इसके मेन पॉइंट्स थे कि डायरकी को अबॉलिश किया जाए, मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स की जाए, और बर्मा को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, और एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स बनाया जाए, चूज़ किया जाए बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इंडिया में। ये मेन पॉइंट्स थे। नेक्स्ट है मोदिन मन कमेटी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप की गई थी अलेक्जेंडर मुदिनमन के अंडर में, जिसमें जो इंडियन लीडर्स थे उनकी डिमांड को देखने के लिए, पूरा करने के, जो कि एक रेजोल्यूशन के द्वारा, स्वराज पार्टी के द्वारा ये एक डिमांड रखी गई थी 1920s में, उसको पूरा करने के लिए, उसको व्यू करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। इसने डायरकी को कंडेम किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में चेंजेस की सिफारिश की। नेक्स्ट है आपका इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग। ये नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस और श्रीनिवास अयंगर ने मिलकर बनाया था 1929 में। सो फिर से एक बार, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, जेएल नेहरू, एससी बोस, श्रीनिवास अयंगर 1929। डायरकी इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में 1919 में मॉन्टेगु चेंसफोल्ड रिफॉर्म के थ्रू। नेक्स्ट है आदिवासी वर्ड थक्कर बापा के द्वारा दिया गया था। ये एक इंडियन सोशल वर्कर थे जिन्होंने अपलिफ्टमेंट ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल पीपल, जो गुजरात के ट्राइबल एरियाज थे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत काम किया था, उनके द्वारा ये वर्ड दिया गया था। ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के भी मेंबर थे और इन्होंने भील सेवा मंडल नाम की एक संस्था शुरू की थी। नेक्स्ट है आपका सत्यशोधक समाज। ये इलिटरेट्स और जो अनटचेबल, शूद्र, अनटचेबल जिनको माना जाता था, उनके एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए ये सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में इसकी स्थापना हुई। ये INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर में ही विद इन फॉर्मेशन हुआ उसका, और किसके द्वारा हुआ, ये जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने इसकी स्थापना की। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, जेपी नारायण, आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट है आपका सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बनाया गया था। इसमें और मेंबर्स थे MC सेतलवाड़ और BN राव, और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, द्राविड़ थे और देवधर थे। आपको नाम याद रखना क्योंकि पिछली बार ऐसे कुछ नाम आ गए थे एग्ज़ाम में, तो अगर आप सरनेम या कुछ एक मिलते जुलते
वर्ड याद रखेंगे तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन जब आएगा सामने आपके तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि क्या ये सही है या गलत है, आप एलिमिनेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। ये जो कॉन्फ्रेंस थी, संस्था थी, ये कॉन्ग्लोमरेशन यानी कि एक संगठन था पॉलिटिकल मूवमेंट्स, जो पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहे थे प्रिंसली स्टेट्स में, जो राजवंश जितने भी हमारे थे वहाँ पे इंडिया में जितने भी मूवमेंट चल रहे थे उनका कॉन्ग्लोमरेशन यानी इकट्ठे होके वो इन्होंने एक ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस बनाई। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से एफिलेटेड थी और नेहरू इसके पहले, जवाहरलाल नेहरू इसके पहले प्रेसिडेंट बने।